ऑल राइट, तो आए थे जरा हम सीतामढ़ी और रुनी सैदपुर अपने भांजे के साथ, आए बोल दे तो आए हैं। कल हम निकल रहे दिल्ली के लिए, तो दिल्ली निकल रहा हूँ तो रुनी सैदपुर का ना सबसे फेमस एक स्वीट है जो कि मैं अभी रामबाबू मिष्ठान से लेने वाला हूँ, बालू शाही, देखिए इंडिया फेमस है, यहाँ से पूरे इंडिया में जाती है और शुद्ध आपको यहीं मिलेगा रुनी सैदपुर। आप पूरी देखिए, पूरे स्वीट 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 पूरे मिठाइयों का ही दुकान है। तो हम अपने बड़े भाई साहब अमजद भाई के लिए ले जा रहे हैं यहाँ से, देख रहे भैया आपके लिए प्यार, तो ये तो जल्दी से लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो ये है बालू शाही, पूरे मतलब इंडिया फेमस, और वो गुलाब जामुन उधर, तो एक टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। मस्त, सुपर ओरिजिनलिटी, रसगुल्ला बेस्ट है बालू शाही। तो लेते हैं, 2-3 किलो लेना है और यही है। खाने का फायदा, मेरे 2 सब्सक्राइबर हो गए, एक अमन और उसका भाई उधर है, तो 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए मेरे, ये फायदे होते हैं। तो ये 3 किलो हमने लिया है, ठीक है। ऑलराइट, तो बिहार में जिस काम के लिए आया था वो हो गया, घर जा रहा हूँ दिल्ली, आज की 2:30 बजे की फ्लाइट है एंड अभी बस में हूँ मुजफ्फरपुर से, 10 बज रहे हैं अभी, तो जल्दी निकलना सही है ना, क्योंकि गांधी से तो पुल पे जाम वाम का चक्कर सीन ना बने, इसलिए जल्दी निकला हूँ, अगर जाम भी लगती है तो जल्दी निकल जाएंगे। तो बस हार्डली 2.5 घंटा लगाएगी एंड चलते हैं फिर। तो बस से उतर गए, अब ऑटो लेते हैं और एयरपोर्ट को चलते हैं जी। तो बैठ गए ऑटो में, तो एयरपोर्ट पहुंच गई, सामने एयरपोर्ट है और मुझे बहुत ज़ोरों की सुसू आई है, पहले सुसू करेंगे फिर बोर्डिंग पास लेंगे। दैट्स वे, डिस्प्ले पे तो नहीं आ रहा अपना अभी, जल्दी पहुंच गए, शुक्र है अल्लाह का। तो टाइम पे सब कुछ हो गया और बोर्डिंग पास मिल गई, गेट नंबर टू देखते हैं फिर। आई है सुसू आई है, बिस्लेरी पीने के बाद बहुत जोरों से आई है सुसू आई है। अब सिक्योरिटी चेकअप के लिए अपन चलते हैं और गेट नंबर टू। दिन के बज रहे 1:48 और टाइम पे पहुंच गए हैं, डर लगा रहता है ना कि फ़्लाइट मिस ना हो जाए, पुल पे जाम नहीं थी इसलिए टाइम पे पहुंचे हैं एंड अभी सिक्योरिटी चेकअप होता है, फिर फ्लाइट आएगी, फिर अपन दिल्ली में। नो, अपने पास तो कुछ ज़्यादा चीज़ भी नहीं है, आई थिंक इसमें पर्स भी आएगा, मेरा बेल्ट लैदर का नहीं, इसमें लैदर बेल्ट नहीं आएगी। ठप्पा लग गया, मुहर लग गई, बस आइए उसमें अपन जाएगा। भाई साहब चेकअप के लिए कर रहे हैं, मेरी अपनी बस, वो फ्लाइट अपन बस में जा रहे हैं। तो बस खुलने वाली है एंड ऑल सेट टू लीव। जाकिर भाई की जो बातें हैं ना वो फिर से कहता हूँ, सब कुछ एक तरफ और विंडो सीट एक तरफ, लिप्सी आज इस दफ़ा भी मिलता है नहीं है एंड
पता नहीं। और माशाल्लाह धूप बहुत अच्छा आया है, बिहार में निकला है। लेट्स देखते हैं अपनी वाली ओड़ी। Look at the beast. The ground is tough. फिर से किए थे, बीच का सीट मिला है एंड विंडो सीट फिर से नहीं मिला। पटना शहर ऊपर से, और मेरे अगल बगल में ना बहुत सारे क्यूट क्यूट बच्चे हैं, ये जैसा कि आप आवाज़ सुन सकते हैं बहुत शोर कर रहे हैं। एंड और ये पटना शहर आप देखो ऊपर से कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये प्यारा सा नज़ारा नज़ारा नज़ारा। और कुछ ही देर में हम दोस्तों दिल्ली में होंगे। यो और ये ब्यूटिफुल क्लाउड्स देखो, बादलों में तो उड़ना मैंने सुना था, बादलों के ऊपर पहली बार उड़ रहा हूँ। ये हमसे नीचे बादल है, आई थिंक ये 34-36 feet के ऊपर हम अभी फ्लाई कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं एकदम काम एंड कूल, सुपर सुपर। ये वाइट जो भी ठंड वगैरह होती है ना, ये वो नीचे होती है, ऊपर कुछ भी ठंड ना है, एकदम मौसम क्लीन है, एंजॉय। एंड दिल्ली अपन पहुंच गई, ये देखो ICI एयरपोर्ट पे पहुंच गई, एक घंटा एंड वही हार्डली 45 मिनट्स लगे हैं पहुंचने में। और शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सफ़र रहा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी कि वो शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर कर देना, सब कुछ कर देना, और घंटे का बटन भी दबा देना और शेयर। देखो इसका ओपन हो रखा है एयर, ताकि जल्दी से फ्लाइट रुक सके। ओके थंबनेल के लिए एक फ़ोटो ले लेता हूँ। दिल्ली आने के बाद सबसे पहली जो लगी है भूख और ठंड, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पटना का वेदर हॉट हो रहा था, इधर का बहुत कोल्ड है। तो अब हम टैक्सी करते हैं और रूम पे जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, यहीं पे क्लोज करते हैं। तो के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम।